सोचिए क्या होता अगर एक रोज सुपरमैन सुबह उठकर बोले कि मैं सारे इंसानों को मार डालूंगा। चीकने और बैटमैन को बुलाने के अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शंस नहीं होंगे। तो आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे ये इसी एंगल को कवर करता है कि क्या होता अगर सुपरमैन इविल होता। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मूवी स्टार्ट होती है एंड हम ब्रैड फैमिली को देखते हैं जिसमें हस्बैंड काइल और पत्नी टोरी है। ये दोनों ही कैंसस के ब्राइडबर्न शहर में रहते हैं। अब ये दोनों बहुत ही दुखी थे क्योंकि इनका कोई अपना बच्चा नहीं था। लेकिन एक रात इनके फार्म पर एक स्पेसशिप क्रैश लैंड करती है जिसमें उन्हें एक इन्फेंट यानी कि एक बेबी बॉय मिलता है। ब्रैड से डिसाइड करते हैं कि वो इसे खुद पालेंगे और उसे नाम देते हैं ब्रैंडन। ब्रैंडन के आने से ब्रैड्स की फैमिली खुशियाँ से भर जाती है। अब एक दिन ब्रैंडन लॉन में घास काटने जाता है सो दैट ही कुड हेल्प हिज फादर। लेकिन वो लॉन मोअर मशीन को स्टार्ट करने पर भी वो ऑन नहीं हो रहा था। गुस्से में ब्रैंडन मशीन को जोर से स्टार्ट करता है जिसमें गलती से ही वो मशीन को हवा में 200 मीटर दूर फेंक देता है। वो खुद भी इस पर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। अब उसे अपने दिमाग में सडनली स्ट्रेंज आवाज़ें आने लगती है और वो मशीन की घूमती ब्लेड्स में अपना हाथ डाल देता है। सरप्राइजिंगली उसके हाथ पर एक भी खरोच नहीं आती है एंड उल्टा ब्लेड्स ही टूट जाती है। नाउ इससे ये तो क्लियर हो जाता है कि ब्रैंडन के पास सुपर पावर्स थी। उसी रात फार्म हाउस के अंदर से एक लाल रोशनी बाहर आ रही थी जिसकी ओर ब्रैंडन अट्रैक्ट हो जाता है। उसके सर में फिर से वही नॉइज आने लगती है जिस पर वो फार्म हाउस के लॉक डोर को खोलने की कोशिश करता है। दरअसल फार्म हाउस के अंदर वही स्पेसशिप रखा था जिसमें ब्रैंडन एज अ बेबी अर्थ पर आया था, जिसे काइल और टोरी ने वहाँ छिपा दिया था ताकि किसी को भी उसका पता न चले। इससे पहले कि ब्रैंडन दरवाजा खोले उसकी माँ टोरी आ जाती है। टोरी के आने पर ब्रैंडन जैसे होश में आ जाता है क्योंकि उसे याद नहीं आता कि वो फार्म हाउस तक कैसे पहुंचा। इस इंसिडेंट के बाद ब्रैंडन का बिहेवियर बहुत ही चेंज होने लगा था। ब्रैंडन के बर्थडे पर उसके अंकल नोवा उसे एक गन गिफ्ट करते हैं। ब्रैंडन के पिता काइले से लेने से मना कर देते हैं क्योंकि ब्रैंडन अभी गन संभालने के लिए बहुत ही छोटा था। इस बात से ब्रैंडन बहुत ही नाराज हो जाता है एंड यहाँ पर अपने डैड से बहस करने लगता है। नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट करते दौरान ब्रैंडन गलती से फोक को चबा जाता है। काइले देखकर समझ चुका था कि ब्रैंडन के साथ कुछ तो अजीब है। ब्रैंडन की रूम की सफाई के दौरान टोरी को भी कुछ स्ट्रेंज ड्राइंग्स और लड़कियों की आधी न्यूड पिक्चर्स मिलती है। इससे परेशान काइल और टोरी इस पे बात करते हैं। उन्हें पहले से ही मालूम था कि ब्रैंडन बाकी इंसानों से अलग है क्योंकि बचपन से ही वो सुपर हेल्दी और स्मार्ट था। यहाँ तक कि आज तक उसे एक भी चोट नहीं लगी, खून निकलना तो दूर की बात थी। उन दोनों का मानना था कि काइल प्यूबर्टी हिट कर रहा था यानी कि अब वो बड़ा होने लगा था इसलिए वैसी हरकतें कर रहा है, जिस पर वो ब्रैंडन को लेकर पास के जंगल में कैंपिंग करने जाते हैं क्योंकि काइल और टोरी ने ये डिसाइड किया था कि एज अ फादर काइल ब्रैंडन से बात करके उसकी मदद करेंगे। कैंप नाइट में हम देखते हैं कि ब्रैंडन आधी रात में ही कैंप से गायब हो जाता है एंड यहाँ से सीधे कैटलिन नाम की लड़की जो कि उसके क्लास में पढ़ती थी उसके घर जाता है जहाँ खिड़की से ही वो उसे स्टॉक करने लगता है। कैटलिन ब्रैंडन को देख लेती है एंड डर से चिल्लाने लगती है जिस पर ब्रैंडन घबरा के कैंप वापस चले जाता है। नेक्स्ट डे आधी रात में हम ब्रैंडन को पोल्ट्री फार्म में जाते देखते हैं जो वहाँ पर चिकन्स को अजीब तरीके से घूर रहा था। अब काइल को फार्म से कुछ आवाज़ आने पर वो जब चेक करने जाता है तो वो देखता है कि किसी ने सारे चिकन्स को बहुत ही बेरहमी से मार डाला था। काइल समझ चुका था कि ये काम ब्रैंडन का ही है लेकिन टोरी उल्टा उस पर ही गुस्सा हो जाती है कि वो ऐसा अपने बेटे के बारे में कैसा सोच सकता है। टोरी का मानना था कि ये काम किसी भेड़िया का है और काइल अपने ही बेटे के बारे में ऐसा घटिया इल्जाम ना लगाए। नेक्स्ट डे स्कूल में स्पोर्ट्स क्लास के दौरान कैटलिन सबके सामने ही ब्रैंडन का मजाक बना देती है जिससे ब्रैंडन बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो कैटलिन के हाथ को बुरी तरह तोड़ के फ्रैक्चर कर देता है। ऐसा करने पर स्कूल ब्रैंडन को 2 दिन के लिए सस्पेंड कर देती है एज अ पनिशमेंट। बट कैटलिन के माँ पुलिस से ब्रैंडन को उसके इस हरकत पर उसे अरेस्ट करने को कहती है। ब्रैंडन क्योंकि एक माइनर था तो उसे अरेस्ट नहीं कर सकते इसलिए एक्स्ट्रा पनिशमेंट के तौर पर ब्रैंडन को स्कूल की काउंसलिंग अटेंड करनी पड़ती है एंड स्कूल काउंसलर कोई और नहीं बल्कि उसकी आंट मेरिल थी। स्कूल के बाद ब्रैंडन को फिर से एलियन वॉइस आने लगती है एंड वो फार्म हाउस में रखी स्पेसशिप की ओर अटैक्ट होने लगता है। वो बस अपने हाथों से ही वो चेन्स को तोड़कर अंदर चले जाता है एंड फिर वो खुद भी वहाँ पर एलियन लैंग्वेज बोलने लगता है जिसके साथ ही वो हवा में लेविटेट होने लगता है। वो उस एलियन लैंग्वेज को डिक्रिप्ट कर लेता है जिसका मतलब था टेक द वर्ल्ड। टोरी भी फार्म से आती लाइट देख कर यहाँ पर आ जाती है। उसके आते स्पेसशिप बंद हो जाती है और हवा में उड़ता ब्रैंडन नीचे गिर जाता है। इसी में उसका हाथ स्पेसशिप के ऐसे टकराती है जिससे जिंदगी में पहली बार उसे चोट लगती है और उसमें ब्लीडिंग आने लगती है एंड इससे हमें ये पता चलता है कि ब्रैंडन को उसकी प्लैनेट की चीज़ों से चोट लग सकती है अनलाइक अर्थ।
टोरी ब्रैंडन से कहती है कि वो अडेप्टर नहीं है बल्कि वो दूसरे प्लैनेट से यहाँ पर एक स्पेसशिप पर आया था। ये सुनकर ब्रैंडन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड अपनी आंखों से हीट विजन छोड़ने लगता है। नेक्स्ट नाइट ब्रैंडन वापस कैटलिन के घर जाता है और उसे बताने लगता है कि वो खुद कितना स्पेशल है। कैटलिन उसे कहती है कि उसके मदर ने उसे ब्रैंडन से बात करने से मना किया है। ये सुनकर ब्रैंडन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है एंड वो यहाँ से सीधे एक डाइनर में यानी कि एक होटल में जाता है जहाँ पर कैटलिन की माँ काम करती है। ब्रैंडन कैटलिन की माँ को बहुत ही बुरी तरह से डरा कर आखिर में जान से मार डालता है एंड ये सब करते वक्त उसने एक स्केरी मास्क भी पहना था। नेक्स्ट सुबह स्कूल में काउंसलिंग के दौरान ब्रैंडन अपनी आंट से अजीब अजीब बातें करने लगता है कि किस तरह से वो ह्यूमन रेस से सुपीरियर है। ये सुन के आंट उसे कहती है कि अगर उसकी हालत में सुधार नहीं आया तो उन्हें पुलिस को उसकी रिपोर्ट देनी पड़ेगी। ये सुनकर ब्रैंडन ही बहुत गुस्सा हो जाता है जिस पर वो रात में आंट मेरिल के घर जाकर उन्हें धमकी देता है कि वो पुलिस से कुछ भी ना बताए। आंट जना दरवाज़ा बंद करके ब्रैंडन को घर जाने के लिए कहती है। नाउ थोड़ी देर बाद आंट मेरिल के हस्बैंड नोवा घर आ जाते हैं जो देखते हैं कि उनके क्लोज़र में ब्रैंडन वही अजीब मास्क पहने खड़ा था। उसके मास्क उतार कर गाड़ी में बैठा कर ब्रैंडन को गुस्से में घर ड्रॉप करने जाते हैं। आधे रास्ते में ब्रैंडन उसके अंकल नोवा पर अटैक करता है जिससे बचने के लिए नोवा कार लेकर जल्दी ड्राइव करने लगता है लेकिन ब्रैंडन मास्क पहने हवा में उसके सामने ही लेविटेट कर रहा था एंड फिर वो नोवा की कार को उसी के साथ हवा में लेकर नीचे फेंक देता है जिससे नोवा की बुरी तरह मौत हो जाती है। नाउ ब्रैंडन अपने हर किलिंग के बाद वहाँ पर एक साइन ड्रॉ करता है लाइक इट वॉज हीज ऑटोग्राफ। नेक्स्ट डे काइल और टोरी ब्रैंडन से उनके अंकल नोआ की मौत की खबर शेयर करते हैं लेकिन उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। काइल इससे ब्रैंडन के ऊपर और भी ज़्यादा शक करने लगते हैं क्योंकि उसे आंट मेरिल से ये भी पता चला था कि पिछली रात वो उनके घर गया था जिस पर काइल ब्रैंडन से सच्चाई की डिमांड करते हैं। ब्रैंडन अपने सुपर स्ट्रेंथ से काइल को धक्का मारकर घर से चला जाता है। ब्रैंडन की ताकत का अंदाजा लगने के बाद अब वो श्योर हो जाता है कि इन सब के पीछे ब्रैंडन का ही हाथ है। ब्रैंडन के रूम की तलाशी करने पर काइल को एक शर्ट मिलती है जो खून से सना हुआ था। ना काइल ये तो समझ चुका था कि ब्रैंडन अब उनका बेटा नहीं रहा। अगर उसे रोका नहीं गया तो ना जाने आगे क्या होने वाला था। वो ब्रैंडन को हंटिंग करने के बहाने जंगल में ले जाता है जहाँ पर वो उसे गोली मार देता है। गैस वॉट, ब्रैंडन को गोली सर में लगने पर भी उसे कुछ नहीं होता। काइल ब्रैंडन से डर चुका था और वो उससे माफ़ी मांगने लगता है लेकिन ब्रैंडन अपने हीट विजन से उसकी फेस को वेपराइज करके उसे मार डालता है। दूसरी ओर घर में टोरी को ब्रैंडन की नोटबुक मिल जाती है जिसमें उसने अपने सारे किलिंग्स की ड्राइंग्स बनाई थी। टोरी अभी समझ चुकी थी कि काइल का शक बिल्कुल सही था और जल्दी से काइल को कॉल करती है लेकिन कॉल ब्रैंडन उठाता है और टोरी से कहता है कि काइल मर चुका है। अब ब्रैंडन यहाँ से उड़कर सीधा अपने घर आ पहुँचता है क्योंकि उसका अगला शिकार उसकी माँ टोरी थी। अंदर घुसते ही वो पूरी घर को तहस महस करना शुरू कर देता है एंड टोरी किसी तरह पुलिस को कॉल करके हेल्प मांगती है। पुलिस टोरी की हेल्प करने आ तो जाती है लेकिन इससे पहले कि उन्हें कुछ समझ आए ब्रैंडन अपने सुपर स्पीड से उन्हें 1 सेकंड में ही मार डालता है एंड फिर वो टोरी को फिर से मारने के लिए घर में ढूंढने लगता है। ब्रैंडन से बचने के लिए टोरी किसी तरह फार्म हाउस के अंदर जाती है क्योंकि उसने पहले देखा था कि स्पेसशिप के मेटल से ब्रैंडन को चोट पहुंचाई जा सकती थी। फार्म हाउस पर उसे एरिका की मदर की लाश मिलती है जिसे ब्रैंडन ने बुरी तरह से म्यूटिलेट किया था। जल्दी से उस स्पेसशिप का एक मेटल निकालकर अपने पास छिपा लेती है। नाउ ब्रैंडन भी यहाँ पर आ पहुँचता है एंड टोरी उसे समझाने की कोशिश करती है जिस पर ब्रैंडन उसे कहता है कि आई वॉन्ट टू डू गुड थिंग्स मॉम, मैं अच्छी चीज़ें करना चाहता हूँ एंड अपनी माँ को गले लगा लेता है। मौका देखकर टोरी मेटल से ब्रैंडन पर हमला कर देती है लेकिन ब्रैंडन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे आसमान में उड़ाते हुए ले जाता है एंड फिर वहाँ से सीधे नीचे छोड़ देता है जिससे टोरी की मौत हो जाती है। अब आसमान में एक एरोप्लेन जा रही थी जिससे ब्रैंडन लेकर सीधे अपने घर में क्रैश कर देता है ताकि वो अपने किलिंग से सबूत को छिपा पाए। नेक्स्ट डे न्यूज से सबको ये पता चलता है कि प्लेन क्रैश होने की वजह से प्लेन के 260 पैसेंजर्स मारे गए और साथ ही ब्रैड फैमिली के 2 मेंबर्स जिसमें सोल सर्वाइवर था उनका बेटा ब्रैंडन ब्रैड एंड मूवी एंड्स। एंड क्रेडिट्स में हम देखते हैं कि ब्रैंडन दुनिया भर में अलग अलग सिटीज पर अटैक कर रहा है एंड नाउ ही इज अ थ्रेट टू द ह्यूमन रेस। उसे मीडिया ने नाम दिया था ब्राइटबर्न। मूवी एंड होने से पहले हमें और 2 इविल सुपर ह्यूमंस के बारे में बताया गया जो कि बेसिकली इविल वर्जन्स है एक्वामैन और वंडर वुमन के। ब्राइटबर्न बेसिकली सुपरमैन की हिस्टोरी है इफ सुपरमैन चोज टू बी इविल। तो ये थी ब्राइटबर्न की पूरी एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन ऑफ द वीडियो इज ब्रैंडन ने टोटल में कितनों की जान ली, लेट मी नो इन द कमेंट्स। पहले 3 सही आंसर्स को मैं नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दूंगा। अगर आपको मेरी मैंने ज़रा सा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इससे मुझे YouTube कंटिन्यू करने में काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल सब्सक्राइब एंड ज्वाइन आवर फैमिली। लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।